नमस्कार, खबर तहलका टीमें मौजूद हैं। नगर पालिका सफेदों के बिल्कुल ठीक पीछे एक खबर हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी कि यहाँ जो गंदगी के अंबार लगे रहते थे, उसी को लेकर कुछ लोगों ने जो एक हेल्पलाइन नंबर गौरव रोहिला ने चालू किया था, उस पर उन्होंने कॉल की थी और गौरव रोहिला मौके पर पहुँचे थे, क्योंकि यहाँ एक पीपल का पेड़ है जहाँ लोग पाठ पूजा करने आते हैं। और उस खबर का असर ये हुआ कि आज ठीक 15 दिन हो गए यहाँ किसी तरह की कोई गंदगी नहीं फेंकी जाती, क्योंकि नगर पालिका भी रोज़ अपना अनाउंसमेंट करती है। जो गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए पूरे शहर में नगर में घूमती है, वो भी एक चेतावनी देते लोगों को कि कहीं अगर गंदगी फैलाई जाएगी या अतिक्रमण किया जाएगा तो 11,000 रुपये का जुर्माना और कम से कम 2 महीने की उन्हें कैद की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। और सामने देख सकते तस्वीरों में जो यहाँ गंदगी के अंबार लगे होते थे, अब वो गंदगी यहाँ नहीं है। एक 22 बार यू इनसे बात कर लेते हैं तो सामने यहाँ से आए दिन निकलते हैं। भाई, यहाँ पहले भी निकलते होंगे आप यहाँ से, तो यहाँ जो पहले गंदगी की होती थी अभी वो गंदगी नहीं है, तो जब गंदगी थी कितनी परेशानी होती थी यहाँ पर लोगों को? बहुत परेशानी होती थी, यहाँ पर स्मेल भी आती थी जैसे गंदगी की वजह से। आप सफेदों से ही हैं? जी सर, हम सफेदों से ही हैं। तो यहाँ एक वो जो हेल्पलाइन में नंबर लिया गया था, गौरव जो हेल्पलाइन है उनके प्रयास से काम हुआ है, तो क्या जो हेल्पलाइन को सही मानते हैं? जी, ऐसे नंबर सभी को देने चाहिए जैसे जिससे लोगों को परेशानी ना होए। तो अभी ठीक लग रहा है यहाँ? जी सर, अभी ठीक लग रहा है। चलिए, तो यहाँ दो युवक थे, उनसे हमने बात की। अब सामने देख लें जो रामलीला ग्राउंड है, यहाँ भी कुछ लोग मौजूद, इनसे ही बात कर लेते हैं। और सामने आप देख सकते तस्वीरों में यहाँ कबड्डी के प्लेयर भी हैं और सामने कोच, उनसे बात कर लेते हैं कि इस जो गंदगी थी उन्हें कितनी यहाँ परेशानी होती थी और इस गंदगी की जो हटी है यहाँ से उन्हें कितना इस गंदगी के यहाँ हटने के बाद। को साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप? ये काफ़ी गंदगी थी बिल्कुल, जहाँ आप छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं। अब सामने ग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ कबड्डी का कल टूर्नामेंट है, तुलसी दिवस के पूजन पर एक टूर्नामेंट रखा है कबड्डी का, जो छोटे छोटे बच्चे हैं कबड्डी के। और सामने आप देख सकते हैं पूरा रामलीला ग्राउंड है जिसकी साफ सफाई आज की गई, और हमारे साथ मौजूद हैं जो कोच हैं जयवीर जांगड़ा, उनसे बात करेंगे। सर, जो सामने बिल्कुल आपके जो सामने गेट के ये देख रहे हैं आप, जो सामने पीपल का बिल्कुल यहाँ गंदगी के अंबार लगे रहते थे, तो क्या कहना चाहेंगे? जो गंदगी अभी कितने दिनों से नहीं है यहाँ? सर, मैं तो एक बात ही कहना चाहता हूँ, कल टूर्नामेंट का बहुत ही बढ़िया अवसर है और तुलसी दिवस के ऊपर हम बच्चों को तोहफा दे रहे हैं। और हमें पहले भी रिक्वेस्ट की थी गौरव रोहिला से, और गौरव रोहिला हम जिस बार भी तुरंत ही एक्शन ले लेते हैं, और हमें है ना एक कॉल ही की थी हेल्प कॉल करने के तुरंत साथ है ना उन्होंने सफाई करा दी, और आप देख सकते हैं सफाई बिल्कुल चारों ओर अच्छी तरह से हो रही है। गौरव रोहिला के हम बहुत बड़ा ही योगदान मानते हैं इस चीज़ में। तो हेल्पलाइन में जब आपने कॉल की थी तो कितने दिन में कार्रवाई होगी थी? कार्रवाई तुरंत सर, बिल्कुल तुरंत। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये गौरव काफ़ी खुश दिखाई दे रहे। हाँ हाँ, खुशी इसलिए दिखाई दे रहा है, देखो ग्राउंड में चारों ओर दिखाओ बच्चे है ना, एक भी मतलब सफाई बिल्कुल हो रही है। गौरव लेना तो हमारे हैं, तुरंत ही 5 मिनट में है वहाँ पे सफाई के लिए भेज दिए थे वर्कर जो थे। तो कल जो आप टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं तुलसी दिवस के मौके पर, बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर, तुलसी दिवस के मौके पर आपने कबड्डी का टूर्नामेंट रखा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ, हम हिंदू धर्म से अपने हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए है ना, क्रिसमस डे को छोड़कर हमने तुलसी दिवस को है ना पूरे जोर शोर से मनाना चाहिए हमको। बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात करें सर और मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो गंदगी के अंबार लगे रहते थे, जो हेल्पलाइन पे आप कॉल की गई और वो जो तुरंत कार्रवाई? सर, तुरंत कार्रवाई हुई, सारा सफाई जितनी भी आप देख सकते हो सारा से 5 मिनट के अंदर उनकी फोन करने के बाद जब भी जल्दी सफाई कर्मी भेज दिए, सारा सफाई करवा दी। और बार बार ये कहा भाई कभी भी किसी टाइम भी मेरे पास हेल्पलाइन पर जो फोन है फोन कर देना, उसी टाइम तुरंत कार्रवाई होगी। तो सर, जो गौरव ने हेल्पलाइन चालू कर रखी है चुनाव लड़ने हैं उसकी पत्नी धर्मपत्नी नगर पालिका प्रधान का, जो हेल्पलाइन है उसे कितना कारगर मानते हैं? बहुत बढ़िया जी, पूरा कारगर मान रहे हैं जिसको, बहुत ही अच्छा, उसे तुरंत एक्शन लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल तुरंत एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बात कर लेते हैं सामने कुछ युवा खड़े, उनसे बात कर लेते हैं इस गंदगी को, क्योंकि ये सभी शहर के वासी हैं और यहाँ सभी का यहाँ लगातार आना जाना लगा है, जिसे बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, यहाँ आप भी शहर के वासिंदे हैं, यहाँ सामने आप देख सकते हैं पीछे आपके गंदगी के अंबार लगे रहते थे, और हम जानने का प्रयास ये करें कि गौरव हेल्पलाइन जो है वो झूठी है या सच्ची है, उस पर फ़ोन के बाद काम होते हैं या नहीं होते, इसी बारे में बता दीजिए आप। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं काम और तुरंत कार्रवाई होती है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हो गंदगी काफ़ी गंदगी थी, यहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती थी। मैं अभी यहाँ दुकान है मेरी, यहाँ से जाता था सुबह, गंदगी इतनी थी, मतलब लड़कियाँ भी आती जाती है स्कूलों की,
तो बिल्कुल दिक्कत थी, लेकिन हेल्पलाइन नंबर कॉल करने के बाद गौरव भाई साहब ने 5 मिनट में तुरंत निपटारा करवा दिया इस चीज़, तुरंत समाधान उस। कितना संतुष्ट है, कितनी कारगर है हेल्पलाइन? मैं तो 101% तो संतुष्ट हूँ जी। यहाँ मैं सर मुझे रिंकू जांगड़ा है, वो भी यहाँ बिल्कुल पड़ोसी है यहाँ के, क्या कहना चाहेंगे जो ये गंदगी के अंबार यहाँ पहले होते थे? मैं सबसे पहले तो उस तहलका न्यूज़ का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि तहलका मैं न्यूज़ के माध्यम से ही ये जो एक दो बारी हमने खबर दिलाई थी, उसके बाद गौरव रोहिला जो प्रधान पद के उम्मीदवार है उनके द्वारा एक हेल्पलाइन चालू की गई थी, और उस हेल्पलाइन के ही द्वारा यहाँ पे कूड़े का अंबार लगा हुआ था, जिन्होंने गौरव भाई साहब ने 5 मिनट के अंदर वो ख़त्म करा दिया कूड़े का। कितनी कारगर मानते हैं हेल्पलाइन को? कारगर तो है, अभी तो देखो जैसे हमने फ़ोन किया है और जैसे लोग फ़ोन कर रहे हैं और जैसे उनके खुद के कर्मचारी वहाँ जाके सफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब 110% कारगर है हमारी। और उनसे बात करते भाई, क्या कहना चाहोगे जो ये गंदगी के अंबार लगे हुए थे भाई यहाँ, और जो हेल्पलाइन गौरव की हेल्पलाइन कितना कारगर मानते हैं, कितनी सच्ची है कितनी झूठी है? जी हाँ, वाकई में बहुत ज़्यादा गंदगी थी। हम यहाँ से आते जाते भी हैं, जैसे हम हमारी गुड़िया पढ़ती है स्कूल में, हम उनको अच्छा भी लेने आते हैं, तो हम यहाँ से जाते थे तो काफ़ी गंदगी थी, काफ़ी गंदगी वहीं से निकलना पड़ता था, मतलब अलग ही रास्ता हमारा, काफ़ी परेशानी होती थी। हमने गौरव हेल्पलाइन पे हेलो गौरव पे फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो सामने बच्चे बेटे, पहले गंदगी होती थी, अब गंदगी नहीं है, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा सर, यहाँ पर बहुत गंदगी होती थी सर, खेलने में दिक्कत आती थी, खेलने में दिक्कत आती, स्कूल में जाते थे आते थे। अब तो कोई परेशानी नहीं है? नो सर। तो यहाँ देख सकते हैं आप जो नगर पालिका के बिल्कुल ठीक सामने, ठीक पीछे, बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, नगर पालिका के बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ गंदगी के बार लगे रहते थे, और लोगों का ये कहना है कि जब से उन्होंने गौरव हेल्पलाइन पर उन्होंने कॉल करके उन्हें बताया तो इस गंदगी से निजात मिली है। और हम आगे भी प्रयास करेंगे सही चीज़ दिखाने का कि गौरव हेल्पलाइन जो चालू की है उसने कितनी कारगर साबित होती है और कब तक होती है, या चुनाव लड़ने को लेकर ही ये मुहिम चलती रहेगी या चुनाव के बाद भी ये मुहिम चलती रहेगी, ये भी देखने वाली बहुत बड़ी विषय की बात है। क्या क्योंकि अक्सर नेता लोग जो हैं अपने वादों से मुकर जाते हैं, अब देखना होगा जब चुनाव आएंगे, चुनाव के बाद भी क्या गौरव रोहिला अपनी इस मुहिम को या अपनी हेल्पलाइन को चालू रखते हैं या नहीं, ये बहुत देखने वाली बात होगी। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए, लगातार हम आपको कोई ना कोई नई अपडेट के साथ मिलते रहते हैं खबर तहलका के माध्यम से, और जल्द ही किसी नई अपडेट के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दिया आइडिया खबर तहलका से, मैं हरीश कपूर, सफेदों नगर पालिका के बिल्कुल ठीक पीछे इसके।